भारतीय जनता पार्टी के एनडीए संगठन से राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी के इस सामूहिक फैसले पर लोग तारीफ भी कर रहे हैं। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। पहले अध्यापक, फिर उड़ीसा के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी करने वाली द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी में एक बार नहीं बल्कि 3 बार दुखों का पहाड़ टूटा। पहले उनके पति, फिर 2 बेटों की असामयिक मृत्यु हो गई। द्रौपदी के परिवार में अब उनकी बेटी इति, नातिन और दामाद हैं। द्रौपदी मुर्मू को भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तरफ से इस बार होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। मुर्मू का नाम पहली बार सामने नहीं आया है, बल्कि साल 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भी झारखंड की तत्कालीन राज्यपाल यानी कि द्रौपदी मुर्मू के नाम की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन उस दौरान रामनाथ कोविंद के नाम पर मुहर लगी और उन्हें राष्ट्रपति चुना गया। अब बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में करीब 20 नामों पर चर्चा के बाद द्रौपदी मुर्मू के नाम पर राय शुमारी बन गई है। ऐसे में अगर चुनाव में सफलता मिली तो किसी समय एक क्लर्क के पद पर काम कर चुकी आदिवासी महिला मुर्मू पहली बार रायसीना हिल की सीढ़ियां चढ़ेंगी। दोस्तों आपको बता दें, अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो वे देश की दूसरी महिला और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। ऐसे में ट्राइबल समाज के उत्थान के लिए बीजेपी की ये अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन लोगों द्वारा ये उठाए जा रहे सवालों पर भी हमें गौर करना चाहिए। एक ट्विटर यूजर ने कहा, दलित रामनाथ कोविंद जी ने भी कभी दलितों की हक मारी पर बोला, ओबीसी नरेंद्र मोदी जी ने कभी मंडल कमीशन का नाम भी लिया। जाति देखकर खुश हो जाने वालों, आपके विचार व एजेंडे से जो जुड़ा ना हो वह जंगल काटने की कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी दिखाकर लकड़ियों से कुल्हाड़ी का साथ दिलवा देगा। बसपा नेता सुमित चौहान ने कहा, अच्छी बात है कि देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिल सकती हैं, लेकिन वो शायद उतनी ही आदिवासी हितैषी होंगी जितने कि रामनाथ कोविंद दलित हितैषी रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, जाति देखकर खुश ना होना, कोविंद जी राष्ट्रपति बने तो दलित खुश हुए और भला एक चपरासी का भी नहीं कर पाए। दोस्तों एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना बीजेपी की तरफ से ये पहल वाकई तारीफ के योग्य है, लेकिन क्या दोस्तों लोगों द्वारा उठाए गए ये सवाल क्या जायज नहीं है? क्या आदिवासी हितैषी द्रौपदी मुर्मू उतना ही रह पाएंगी जितना कि पिछले कुछ वर्षों से दलित हितैषी राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी रह चुके हैं?